तीन मॉडल दो घूंघट बहुओं का गांव की नदी में बंटवारा। अरे संगीता बहू, तू इतना बड़ा घूंघट निकाल कर ये क्या कर रही हो? इस तरह अपनी तीन देवरानियों का गृह प्रवेश करोगी? अरे इतने लंबे घूंघट में काम कैसे होगा? अरे माँ जी, मेरी घूंघट की बात मत कीजिए, आप जानती हो मैं घूंघट में बहुत अच्छे से काम कर लेती हूँ। बहू तेरी जुबान बहुत चलती है, जो तुझे कहा गया है उतना कर। ऐसा कहकर केसरी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद उसकी दोनों बहू कहती हैं, आखिर हमारे घूंघट से माँ जी को दिक्कत क्या है? माँ जी को ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी देवियों का स्वागत करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। देखो तो सही पूरे घर को किस तरह सजवाया गया है। अरे कोई बात नहीं, आने तो दो हमारी तीनों देवरानियों को, जब आएंगे तो हमें भी पता चलेगा कि आखिर ऐसा क्या है उनके अंदर जिसके लिए हमारी माँ जी हमसे इतना काम करवा रही है। दोनों बहू घर की सारी साफ सफाई करके पूरे घर को अच्छे से सजाती हैं और अपनी देवरानी और अपने देवरों के लिए अच्छा अच्छा खाना भी बनाकर तैयार कर देती हैं। कुछ ही देर बाद उन दोनों के तीनों देवर दरवाजे पर अपनी पत्नियों के साथ आकर खड़े हो जाते हैं। अरे कहाँ हैं घर के सभी लोग, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अरे घर तो बहुत अच्छे से सजाया है लेकिन हमारा स्वागत करने के लिए कोई खड़ा ही नहीं है। माँ माँ कहाँ पर हो आप? देखो हम आपकी तीनों बहुओं के साथ घर आए हैं। अपनी तीनों बेटों की आवाज सुनते ही केसरी दरवाजे पर आती है और अपने बेटों को देखकर बहुत खुश होती है। वहीं उसकी दोनों बड़ी बहू भी लंबा सा घूंघट करके आ जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों अपने घूंघट में से अपनी देवरानी को देखती हैं, तो देखते ही वो हैरान रह जाती हैं। ये मैं क्या देख रही हूँ, कहीं मुझे दिन में कोई सपने तो नहीं आ रहे हैं? बाप रे बाप, आखिर ये इन तीनों ने पहना क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे दर्जी की दुकान से बची हुई कतरन उठाकर अपने शरीर के ऊपर नीचे ढक लिया हो, बाकी तो पूरा शरीर नंगा ही है। अरे बहू, तुम तीनों बाहर क्यों खड़ी हो, चलो अंदर आओ। और तुम दोनों यहाँ खड़ी खड़ी मुँह क्या देख रही हो, अपनी सुंदर सुंदर देवरानियों का गृह प्रवेश करो। केसरी को अपनी मॉडर्न बहू बहुत पसंद आती है, जिसके चलते वो अपनी दोनों बड़ी बहुओं से उनका गृह प्रवेश करवाती है। उनके पहने हुए छोटे और डिजाइनर कपड़े देखकर केसरी कहती है, अरे वाह क्या बात है, शहर का फैशन तो आसमान छू रहा है। तुम तीनों के ये कपड़े अधनंगे हैं बेशक, लेकिन बहुत प्यारे लग रहे हैं। केसरी उनके आने पर उनके गुणगान करती रहती है। ये सब उसकी दोनों बड़ी बहू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। केसरी की तीनों छोटी बहू मॉडर्न के साथ साथ घमंडी भी थी। हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है यहाँ पर। गर्मी के चलते मुझे तो बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं और मेरा गला भी सूख रहा है। मेरा तो नहाने का मन कर रहा है। कौशल, यहाँ पर कोई स्विमिंग पूल नहीं है क्या? स्विमिंग पूल? अरे डार्लिंग, ये तो गांव है, गांव में स्विमिंग पूल कहाँ से आएगा। तभी शिवानिया और संगीता मन ही मन मुस्कुराने लगती है। क्या हुआ बहू, तुम दोनों इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? कुछ नहीं माँ जी, आपकी तीनों मॉडल बहू ने जब स्विमिंग पूल का नाम लिया तो मुझे अपनी नदी याद आ गई। अरे नदी से तो मुझे भी याद आया कि क्यों ना तुम दोनों अपनी तीनों देवरानियों को नदी पर ही ले जाओ, वहाँ पर इन्हें स्विमिंग पूल वाली पूरी फीलिंग आ जाएगी। अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी प्यारी देवरानियों को स्विमिंग पूल जरूर लेकर जाएंगे, मतलब कि नदी किनारे जरूर लेकर जाएंगे। शिवन्या ऐसा कहने के बाद संगीता के साथ मिलकर अपनी तीनों देवरानियों को नदी किनारे ले जाती है, जिसे देखकर वो तीनों कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ सबके सामने खुले में नहाएंगे? अरे इस खुलेआम नहाना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता, अगर कोई हमें देखेगा तो क्या सोचेगा। तभी संगीता और शिवन्या अपना घूंघट ऊपर करती हैं और कहती हैं, गांव के सभी मर्दों को ये पता है कि ये नदी केवल हमारी है और इस नदी में हम दोनों ही नहाने आती हैं, ये हमारी पुश्तैनी जमीन पर है। ये सुनते ही स्नेहा अपने मन ही मन सोचती है, अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी नदी हमारी पुश्तैनी जमीन पर है, अरे इसके अंदर तो बहुत बड़ा स्विमिंग पूल निकल सकता है जिसमें हम मजे से नहा सकते हैं। स्नेहा इस बात को अपनी दोनों बहनों को बताती है, जिसके बाद उन दोनों को भी स्विमिंग पूल को लेकर लालच आ जाता है। वो उस समय तो अपनी जेठानी से कुछ नहीं कहती, लेकिन घर लौटकर आने के बाद अपनी सास से इसके बारे में बात करने लगती है। जरा सोचो सासू मॉम, अगर वहाँ पर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बन जाए तो गाँव की सभी औरतें नहाने के लिए आएंगे, इसी के चलते हम अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। अरे लोग हमारे स्विमिंग पूल में आने के लिए टिकट लेंगे, टिकट। अरे माँ जी, मैं तो कहती हूँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस नदी पर एक बड़ा स्विमिंग पूल बना दो, और फिर देखना ये गांव गांव नहीं शहर के मजे लेगा। ये सब संगीता और शिवन्या सुन लेती है और अपनी सास के कमरे में आते ही कहती है, नहीं माँ जी ऐसा नहीं हो सकता, उस नदी में हम दोनों बहनें नहाती हैं और हमारे गांव की घूंघट वाली बहुएं भी,
हमें कोई मॉडल स्विमिंग पूल नहीं चाहिए वहाँ। नदी पर हमारा भी हक है, हमारा भी हिस्सा है, हमारे होते हुए वहाँ कोई स्विमिंग पूल नहीं बनेगा। अगर नदी पर तुम्हारा हक है तो नदी पर हमारा हक भी है। अगर तुम उस नदी के ऊपर स्विमिंग पूल नहीं बनाने दोगी तो हम उस नदी का बंटवारा करवा देंगे। आखिरकार हम भी तो इस घर की बहू हैं और इसी नाते नदी पर हमारा हिस्सा भी है। अगर यही बात है तो हमें अपने हिस्सों की नदी चाहिए। केसरी अपनी पांच बहू के बीच में फंस जाती है। एक तरफ उसकी घूंघट वाली बहू नदी के लिए लड़ रही होती है तो दूसरी तरफ उसकी मॉडल बहू अपना अपना हिसाब मांगने लगती है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं इस नदी का बंटवारा तो कर दूंगी, लेकिन उसके चलते तुम्हें मेरी एक शर्त और मंजूर करनी होगी। अगर बंटवारा ही होना है तो फिर एक ही बार पूरी तरह होगा, यानी कि इस घर से लेकर नदी का पूरा बंटवारा होगा। ये सब सुनने के बाद घूंघट वाली बहू थोड़ी देर शांत हो जाती है, लेकिन उसकी मॉडर्न बहू बंटवारे के लिए बोलती ही रहती है। अगर नदी के लिए हमें बंटवारा करवाना है तो मैं बंटवारे के लिए तैयार हूँ। हाँ माँ जी, हम इसके लिए तैयार हैं। बाकी आप अपनी दोनों घूंघट वाली बहुओं से पूछ लीजिए। केसरी अपनी दोनों बहू को कुछ कहती इससे पहले वे दोनों कहती हैं। अगर ऐसी बात है तो माँ जी ठीक है, आप अपनी तीनों मॉडल बहू को उनके हिस्से की नदी दे दीजिए, बाकी हमारे हिस्से की नदी में हम अपना गुजारा कर लेंगे। अपनी पांच बहू को एक ही बात पर अड़े देख केसरी कुछ नहीं कर पाती, जिसके चलते उसे घर के साथ साथ नदी का भी बंटवारा करना पड़ जाता है। नदी के बंटवारे में एक तरफ तो घूंघट वाली बहुओं को नदी दे दी जाती है तो दूसरी तरफ उसी नदी को कवर करके तीनों मॉडर्न बहू वहां प्यारा सा स्विमिंग पूल बनवा देती हैं। लेकिन घूंघट वाली बहू नहाना धोना, कपड़े धोना और बाकी के सारे काम नदी पर ही करती, जिसके चलते स्विमिंग पूल का पानी अपने आप गंदा होने लगता है। इसी के चलते उन पांचों में अक्सर लड़ाई होने लगती है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे लाठी भी टूट जाए और सांप भी ना मरे। मेरी पांचों बहू एक दूसरे की ही दुश्मन दिन प्रतिदिन होती जा रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। केसरी शहर से शिकारी मछली मंगवा कर नदी में छोड़ देती है, जिसके चलते पानी के बहाव से वो स्विमिंग पूल और नदी दोनों तरफ रहती है और लोगों को काटना शुरू कर देती है। ये सब देख वो पांचों मिलकर एक एक करके उन मछलियों को पकड़कर बंद करती हैं, जिसके चलते उन पांचों को एक दूसरे की मदद का एहसास मिलता है। अगर तुम दोनों ना होती तो हम तीनों तो इन मछलियों को पकड़ ही नहीं पाती। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे देवरानी जी, ये तो हमारा फर्ज है। हम तीनों बहनों की वजह से ही ये सब हुआ, हमें जिद नहीं करनी चाहिए थी। ये बंटवारा बकवास था, यहाँ तो नदी ही होनी चाहिए थी। उर्वशी की बात उसकी दोनों बहनें मान लेती हैं, जिसके बाद वहां से स्विमिंग पूल को हटाकर नदी को दोबारा से पहले जैसा बना दिया जाता है और घर का बंटवारा भी हटा दिया जाता है, जिसके चलते वो पांचों बहू एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। गोंदपुर गांव में पायल नाम की एक काली सांवली लड़की अपने हाथ में बड़ी सी थैली लिए बाजार से घर की ओर जा रही थी। तभी वहीं पास में एक आदमी साइकिल पर खड़ा बालों में लगाने वाले शैम्पू और तेल बेच रहा था। आइए आइए, ले जाइए बालों को घने काले और लंबे करने का चमत्कारी तेल और शैम्पू ले जाइए। आइए आइए आइए, बालों को घुटने तक लंबा कर देगा ये चमत्कारी जादुई तेल, ले जाइए केवल 10 रुपए में। आइए आइए आइए। चमत्कारी तेल, वो भी 10 रुपए में? मेरे बाल तो कितने छोटे और मेरी जेठानियों के बाल कितने बड़े बड़े हैं। चलो मैं ये चमत्कारी तेल ले लेती हूँ ताकि मेरे बाल भी घने और लंबे हो जाएं। भोली पायल वो तेल और शैम्पू ले लेती है जो एक्सपायरिंग डेट वाले तेल और शैम्पू थे। अब वो तेल लेकर पायल अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ पायल की सास मीनल और तीन जिठानियां कमला, अनीता और साक्षी थी। ये तीनों बड़ी ही खूबसूरत और गोरी थी। काले रंग को देखकर सब पायल को घर में नौकर की तरह इस्तेमाल करते थे। पायल कुछ दिन पहले ही शादी करके अपने ससुराल आई थी। आ गई महारानी, सब्जियां लाने गई थी या अपने पिता के शॉपिंग मॉल में घूमने गई थी? इतना समय कहाँ लगा दिया? वो सब्जी लेने में समय लग गया। ए पायल, चल ये सब रसोई में ले जा और जल्दी से सबके लिए खाना बना। जल्दी खाना बना काली कलूटी, वरना आज फिर तेरी जम के धुलाई कर दूंगी मैं। पायल वो थैली लेकर रसोई में आती है और झट से थैली से वो तेल और शैम्पू निकाल कर अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा लेती है। अच्छा हुआ ये तेल और शैम्पू पर किसी की नजर नहीं पड़ी, अब मेरे बाल ये चमत्कारी तेल लगाने से बड़े हो जाएंगे। चलो अब मैं इन्हें जल्दी से कमरे में ले जाकर रख देती हूँ। पायल वो तेल और शैम्पू अपने कमरे में लाकर रख देती है। अब देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं।
पायल रोज रात को वो एक्सपायरिंग डेट वाला तेल अपने सिर के बालों में लगाने लगी और रोज सवेरे उस शैम्पू से सिर धोने लगी। अब एक्सपायरी डेट का तेल और शैम्पू लगाने से पायल के सिर के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर पायल घबरा जाती है। ये मेरे सर के बाल अचानक से इतने झड़ने कैसे लग गए? ये क्या हो रहा है? मेरे सर के बाल तो कम होने लग गए। झड़ते बालों को देख पायल बहुत परेशान हो जाती है। अब ये बात घर में किसी से कह भी नहीं सकती थी। देखते ही देखते कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब पायल के सिर के कई सारे बाल झड़ चुके थे। उसके सिर का पूरा टकला तक दिखने लगा था। ये देखकर पायल की सास और उसकी तीनों जिठानियां हक्का बक्का रह जाती हैं। पायल बहु, ये सब क्या है? तेरे सर के बाल इतने कम कैसे हो गए? हाँ पायल, तेरे सर के बाल तो सच में झड़ गए। पूरा सर सफा हो चुका है, तेरे बस गिने चुने ही बाल बचे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बीते कुछ दिनों से मेरे सर के बाल ज्यादा ही झड़ने लग गए हैं। माँ जी, कहीं पायल को वो बीमारी तो नहीं है ना? बीमारी? कैसी बीमारी? माँ जी, हमारे शहर में एक लड़की को ऐसी ही शिकायत थी। उसके भी सर के बाल अचानक से झड़ने लगे थे। जब उसका चेकअप किया तो पता चला कि उसे कैंसर है। मुझे लगता है कि पायल को भी कैंसर की बीमारी है। ये सुनकर मीनल के होश उड़ जाते हैं। अरे दूर हटो पायल, मुझसे दूर हट। साक्षी, अनीता, कमला, इस पायल को इस घर से बाहर करो। अभी निकालो इसे घर से बाहर। अरे ये आप लोग क्या बोल रहे हो? मुझे कोई कैंसर बीमारी नहीं है। मैं पिछले कुछ दिनों से एक चमत्कारी तेल और शैम्पू बालों पर लगा रही थी। शायद ये उसी के कारण हो रहा है। अपनी बीमारी छुपाने के लिए बहाने मत बना। चल चुपचाप इस घर से बाहर निकल। मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। अपनी बीमारी के जर्म से इस घर में भी फैलाकर हमें भी बीमारी लगाना चाहती है क्या? चल निकल इस घर से। चारों सास बहू मिलकर लकड़ियों से मार मार कर पायल को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। तब ये तमाशा देखकर आस पड़ोस वाले और गांव के लोग वहां जमा हो जाते हैं। चल निकल इस घर से और दोबारा यहाँ कदम मत रखना। माँ जी ऐसा मत करिए, मैं कहाँ जाऊंगी? माँ जी मुझे घर से मत निकालिए। अरे कहीं भी जा, पर मेरे घर के आसपास भी मत भटकना। तभी पड़ोस वाली शीला कहती है। क्या बात है मीनल बहन, अपनी छोटी बहू को इस तरह से घर से बाहर क्यों निकाल रही हो? तभी मीनल, कमला, अनीता और साक्षी पूरे गांव वालों को पायल की बीमारी के बारे में बताते हैं। ये सुनकर सब हक्का बक्का रह जाते हैं। काली कलूटी, निकल अब यहाँ से, अब तेरा इस घर में कोई वास्ता नहीं। पायल की सास और उसकी जेठानियां उसे बेइज्जत और धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल देती हैं। बेचारी पायल छोटे बालों को लेकर रोने लगती है और रोते रोते वहां से गांव के बाहर एक दरिया के पास आती है। अच्छा हुआ वो काली कलूटी पायल से पीछा छूटा। हाँ अच्छा ही हुआ, वैसे भी इस खूबसूरत बगीचे में वो काला गुलाब का फूल अपने इस बगीचे की खूबसूरती को ही खत्म करने में लगा था। अब मरे जाकर वो काली कलूटी कहीं भी। मीनल के साथ उसकी तीनों बहू पायल के जाने की खुशियां मना रहे थे। इधर पायल दरिया किनारे बैठी रो रही थी। क्यों सब मुझ पर बीमारी का झूठा आरोप लगा रहे? क्यों सब मुझे बदनाम कर रहे? मुझे कोई बीमारी नहीं है। मेरे बाल उस शैम्पू और तेल से झड़े, कोई बीमारी से नहीं। अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? तभी अचानक उस दरिया के पानी से एक खूबसूरत सी परी बाहर निकल आती है, जो पायल को उस दरिया में फेंक कर वहां से गायब हो जाती है। पायल जैसे तैसे उस दरिया से बाहर निकलती है तो उसके सिर के बाल, उसके पैर जितने लंबे, काले और घने हो चुके थे। ये चमत्कार देखकर पायल के होश उड़ जाते हैं। ये मेरे बाल इतने बड़े और घने कैसे हो गए? तभी पायल के सिर के उन बालों से आवाज आती है। पायल, जादुई बाल है तुम्हारी अच्छाई और भोलापन देख कर ही हम तुम्हारे सिर से जुड़े हैं। अब तुम हमसे जो बात कहोगे वो बात पूरी हो जाएगी। ये बात सुनकर पायल और खुश हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। पायल का ऐसा अवतार देखकर मीनल और सब हक्का बक्का हो जाते हैं। ये क्या, काली कलूटी नकली बाल पहनकर हमें उल्लू बनाने आई है? साक्षी बहू, एक कैंची ले और इस कलोटी के सारे नकली बाल काट दे। साक्षी जैसे ही कैंची लेकर पायल की ओर बढ़ती है, तभी पायल अपनी जादुई बालों से कहती है। ए मेरे जादुई बाल, इन चारों के सर के सारे बाल हमेशा के लिए गायब हो जाएं और इन चारों का रंग मुझसे भी ज्यादा काला हो जाए। इतना कहा था कि तभी मीनल, कमला, अनीता और साक्षी, ये चारों टकले हो जाते हैं। इनके सिर के सारे बाल गायब हो जाते हैं और उनका रंग भी काला हो जाता है।
अरे ये क्या हो गया, मेरे सर के बाल कहाँ चले गए, मेरा रंग इतना काला कैसे हो गया, मेरे बाल। चारों अपना बदला अवतार देखकर बहुत रोने लगती हैं। आप चारों ने मुझे बहुत तड़पाया है, मैं आपसे मिन्नतें करती तड़पती रही, पर आप चारों ने मेरी एक नहीं सुनी थी और मुझे सरेआम पूरे गांव में बदनाम कर दिया, मुझ पर बीमारी का झूठा आरोप लगाया। आप चारों के कारण सब मुझ पर कितना हंस रहे थे, मेरा कितना मजाक बना रहे थे। अब जाकर आप चारों को एहसास होगा कि बिना बाल और काले रंग के होने से कैसी तकलीफ होती है। इतना कहकर पायल वहां से चली जाती है और इधर चारों का रो रो कर हाल से बेहाल हो रहा था। उसके बाद वो चारों घर में रोते रहे और इधर पायल अपने जादुई बालों से गरीब लोगों की मदद करके उन्हें अमीर बनाने लगी।